टेन हमारे पास सैमसंग का ये फ़ोन आया हुआ है और देखिएगा तो इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, फुल शॉर्ट है। मल्टीमीटर से चेक करके बताओ। दिखाओ जुनैद, मल्टीमीटर से लगाया, बीप पे सेट कर लिया हमने और हमारा ये रीडिंग देखो, बीप की आवाज़ आ रही है, बीप 0-0 हो गया, 0-0 हो गया। इसका मतलब हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट है। तो मल्टीमीटर पे लगा, मल्टीमीटर से चेक कर लिया हम इसे, DC चार्जर है हमारा और उस पर हम लगा के दिखाएंगे तो उससे पता चलेगा हमारा क्या दिक्कत है। देखो हमने इसमें लगा दी पिन, फिर हमारी इस पर लग गई और हम अब इसको चेक करते हैं तो ये क्या दिखा रहे थे, 1 एम्पियर ले रहा है और हमारा ये इस पर स्टिक हो गई है, स्टिक हो गई है मगर बैटरी लगा कर, बैटरी को बैटरी लगी हुई नहीं है सेट में तब भी स्टिक है इस पर। देखो देखिएगा फ्रेंड हमारी पिन कौन सी लगी हुई है, ये कितनी नंबर की पिन है हमारी, ये पिन है हमारी 4th नंबर की पिन लगी हुई है इस पर फ़ोन पे हमारे, ये लगी हुई है देखो, ये लगी हुई है 4th नंबर की पिन और हमारा स्टिक हो गई तो हमारा फ़ोन फुल शॉर्ट है। तो हम शॉर्टिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें शॉर्टिंग निकालने के लिए हम मैं रहता है हमारा जो पैरेलल में लगा हुआ होता है हमारा PF लगा हुआ होता है, पहले हम उस PF को देखते हैं वो कहाँ कहाँ लगा हुआ होता है। तो वो छोटा सा है और ट्रिक आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, मल्टीमीटर को बीप पे रखना है, एक को आपको ग्राउंड लगाना है और ये PF वगैरह ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये है, ये लगे हुए हैं और रेजिस्टेंट वगैरह लगी हुई रहती हैं, ये छोटे वाले ये हैं। तो सैमसंग के अंदर ज़्यादा कर ये वाला शॉर्ट हो जाता है तब हम इसको हटा देते हैं और ज़्यादा कर कोशिश करते हैं सही हो जाता है हमारा फ़ोन। ठीक है हटा दिया हमने और फिर हम उसको लगा भी सकते हैं, दूसरा लगाएंगे, चेक करके देखना बेटे क्या दिखा रहे हैं आप। देखो हमारी शॉर्टिंग निकल गई, फुल शॉर्ट था सेट, फुल शॉर्ट था, बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं रही। तो हमारी एक रेजिस्टेंस के अंदर डायरेक्ट हम कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे लिए ज़्यादातर ये वाला IC से रहता है तो हम इसको हटा देते हैं तो ये हमारा सही हो जाता है। लोग क्या करते हैं, पहले नेटवर्क का सेक्शन से नेटवर्क का PF हटाते हैं, ये वाले हटाते हैं, तो इनको ना हटा कर पहले हमें डायरेक्ट ये वाला हटाना है और ये ज़्यादातर शॉर्ट हो जाता है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है और जो ये सेट होता है वो बहुत कम वैल्यू का होता है, वो जल्दी शॉर्ट हो जाता है, ये जल्दी शॉर्ट हो जाता है। तो इससे पहले हम सैमसंग के अंदर जल्दी पहले इसको हटाएंगे, ये नहीं हम दूसरा हटाएंगे, पहले हम इसको हटाना है और उसके बाद हम इसको देखते हैं क्योंकि जो हमारे ये मोटे दिख रहे हैं इसमें ज़्यादा वायर लगा हुआ होता है, ज़्यादा कॉइल्स बनी हुई होती हैं, तो हमारा पहले शॉर्ट ये नहीं होता है, पहले शॉर्ट होता है हमारा ये वाला छोटा वाला, कोई भी रेजिस्टेंस शॉर्ट होती है छोटी। अब हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट किलर पे लगाते तो हमारा शायद ये नहीं उड़ता और ICUC को प्रॉब्लम करता, तो हम पहले इसको हटा के चेक कर लेंगे। तो चेक करने के बाद हम इसको शॉर्ट किलर पे लगाएंगे, नहीं हम लगाएंगे इसको DC पर, कोराइड DC 5 वोल्ट पर, ठीक है। उसको सेट करने के बाद फिर चेक करेंगे तो हमारा IC ख़राब होने से बच जाती है और हमारा फ़ोन सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और आप 5 वोल्ट से डायरेक्ट लगाएंगे शॉर्ट किलर से तो ख़राब हो जाता है फोन। ठीक है फ्रेंड, ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना।